हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू एबीएम ओरिजिनल्स। तो आज मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ एक क्लासिक अमेरिकन विस्की को, एंड वो है जिम बीम बर्बन। जिम बीम एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है जो पिछले 200 सालों से केटर कर रहा है विस्की बिजनेस में। जिम बीम का नाम उनके फाउंडर पर रखा गया है जिनका नाम है जेम्स बीम। जेम्स बीम ने विस्की डिस्टिलेशन का काम स्टार्ट करा था 1795 में, और फिर उन्होंने विस्की बिजनेस का काम अपनी 7 पुश्तों तक पास डाउन किया। जिम बीम बर्बन विस्की की ये जो आइकॉनिक पैकिंग रही है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। ये गिटार शेप्ड, स्पेशली गिब्सन गिटार, जो जिम बीम का गिब्सन गिटार होता था उस शेप में इसकी पैकेजिंग करी गई है, जो बहुत ही फेमस हुई थी इस पैकेजिंग की वजह से। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं वाइन शॉप पे विस्की लेने गया था, वहाँ पे मैंने इस गिटार शेप बॉक्स में ये विस्की देखी थी, तो मैंने उसी टाइम इस विस्की को खरीद लिया था। आई थिंक आप लोगों में से भी कई लोगों ने सिर्फ इसकी पैकेजिंग देख के ही इस विस्की को ज़रूर ख़रीदा होगा। बहुत ही तगड़ी और लंबी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है विस्की को बेचने के लिए। उनमें से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है विस्की की पैकेजिंग। विस्की के इस टिन बॉक्स को ज़रा ओपन करते हैं और देखते हैं विस्की की बॉटल कैसी है। सो दिस इज जिम बीम। जिम बीम की सेम ओल्ड क्लासिक सिंपल ये बॉटल है विद दिस वाइट लेबल जिसपे जिम बीम का लोगो दे रखा है, जो आइकॉनिक लोगो है जो सिंबल करता है अमेरिकन विस्कीज़ को। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं सील पैक्ड न्यू बॉटल के साथ ही हमेशा रिव्यू करूं, सो इस एफर्ट के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। चलो लेट्स ओपन द बॉटल एंड सी कि विस्की का कलर कैसा है। तो विस्की को ग्लास में पोर करने के बाद इसका जो कलर है ये डीप एम्बर कलर का मुझे कलर लग रहा है। जो क्लासिक एज्ड बर्बन विस्कीज होती हैं उनका कलर कुछ ऐसा ही आता है। इफ यू कैन एग्जैक्टली सी, डीप एम्बर कलर है ये। और ये जो कलर है विस्की का ये चार्ज्ड ओक बैरल से आता है, जो विस्की को एक बहुत ही डिस्टिंक्ट टेस्ट भी देता है। चलो लेट्स डू द नोजिंग एंड चेक करते हैं कि विस्की कैसी स्मेल करती है। बहुत ही रिच विस्की लग रही है मुझे। वनीला का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। कैरमल के काफी नोट्स आ रहे हैं मुझे विस्की के अंदर, काफी कैरमलाइज लग रही है विस्की। हल्का हल्का इसके अंदर मुझे स्मोकीनेस लग रही है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द चार्ज्ड ओक बैरल्स। आई थिंक जब भी आप जिम बीम का फर्स्ट सिप लेंगे आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से इसके अंदर फील होगी, वो है इस विस्की की स्मूथनेस। आई थिंक इट्स एग्जैक्टली सेम द लास्ट टाइम आई टेस्टेड। स्मूथनेस इस विस्की की बहुत ही सही है। लाइक आई सेड, वनीला काफी ज्यादा इसके अंदर आ रहा है। कैरमलाइज्ड टच है विस्की के अंदर, जो कैरमलाइज्ड फीलिंग आती है वो इसके अंदर विस्की में काफी है।
आई थिंक जिम बीम आप जब भी पियेंगे नई बॉटल से, जब भी पियेंगे एक हल्का सा आपको विस्की बर्न या जिसे अल्कोहल बर्न कहते हैं, हल्का सा आपको वो ज़रूर फील होएगा, 10% 15%, तो वो हल्का सा है इसके अंदर। बाकी विस्की बहुत ही वेलवेटी है, इसका जो टेक्सचर है जब भी आप इसको टेस्ट करेंगे, अपने माउथ में रोल करेंगे, काफ़ी वेलवेटी टेक्सचर है विस्की का। सो या ऑल इन ऑल इट रिचनेस बहुत है विस्की के अंदर, काफ़ी रिच लग रही है विस्की। आई थिंक जिन लोगों ने भी अभी तक बर्बन विस्की ट्राई नहीं करी है या एक्सप्लोर नहीं करी है, दे कैन स्टार्ट विथ जिम बीम। जिम बीम एक स्टार्टिंग लेवल ऑफ बर्बन विस्की में बहुत ही अच्छी विस्की है। एक बर्बन विस्कीज का एक अलग ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है, एक टेस्ट होता है नॉर्मल स्कॉटिश विस्की से या सिंगल मॉल्ट विस्की से। सो आई कैन डेफिनेटली से दैट इफ़ यू वॉन्ट टू हैव बर्बन विस्की, आप ज़रूर जिम बीम ज़रूर ट्राई करें। सो या थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें इस वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शो योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। चीयर्स।